नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड टेक। दोस्तों आज फिर नई रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं हम। आज बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली हुई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो इस पूरी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाएँ, यहाँ पर हम जो भी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ चैनल पर जाकर के रेलवे से जुड़े हुए, बैंक से जुड़े हुए, एग्जाम पैटर्न्स, जो सिलेबस होते हैं इन सभी के, डिफेंस से जुड़े हुए जो भी रिक्रूटमेंट्स होती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, सबसे पहले जो भी भर्ती आती है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये सारी अपडेट सबसे पहले चाहिए दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे इस रेड बटन पर सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे इस लेटेस्ट अपडेट के, जो भी वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे कंप्यूटर में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट निकली हुई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोस्तों आप कहीं भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे, बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टर की, ओरेकल एडमिनिस्ट्रेटर की है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है। यहाँ पर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिनिमम ईयर्स, एज क्वालिफिकेशन, एज का भी मालूम पड़ जाएगा आपको कि एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 23 से 30 साल चाहिए इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डाटा एनालिस्ट की भी है, ऑफिसर स्केल्स की है, जो कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो को नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल्स आराम से अच्छे से पढ़ के फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, BTech, BE इन कंप्यूटर साइंस, IT, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BE और ग्रेजुएट स्टूडेंट मांगे हैं इन्होंने। यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन द मेंशन एरिया, इन मेंशन एरिया को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इन एरियों में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर की। यहाँ पर अलग अलग पर्टिकुलर जो पोस्ट हैं उनके लिए इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है, एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा ध्यान रख करके फिर आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं और जानते हैं इसकी और डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पर प्रोबेशनरी एंड सर्विस बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस बॉन्ड लिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2-2 लाख रुपए का अमाउंट आपको जमा कराना होगा सर्विस बॉन्ड के लिए, 2-2 साल के लिए। ठीक है, पे स्केल की बात करते हैं, यहाँ पे स्केल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पूरी सर्विस करते हो तो आपके लिए बॉन्ड कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आपके लिए ये बॉन्ड कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आपका बस सलेक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नीचे सलेक्शन का प्रोसेस, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू फिर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन में भी कैरियर बैंक ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि सलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर और डिटेल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, और अदर्स के लिए है जो कि 600 रुपये फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन मोड रहेगा, इस साइट पे जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं एप्लीकेशन को। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि लास्ट डेट 22 तारीख है, यहाँ पर 22 फरवरी 2018 तक आप इसको फॉर्म को भर दें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, और प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे इस रेड बटन को जरूर क्लिक करें सब्सक्राइब को, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।